अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहरिया हाइट टावर एच के अंदर और आज हम विज़िट करने जा रहे हैं इनर अपार्टमेंट और आउटर अपार्टमेंट का। सबसे पहले ये मेरे सामने जो चार टावर्स हैं इनके हवाले से मैं बता दूँ आपको। ये मेरे बिल्कुल सामने टावर ए, फिर नेक्स्ट टावर बी, फिर वाइट वॉश जिसका हो चुका है वो टावर सी है, और द लास्ट वन टावर डी। और ये बिल्कुल टावर एच के ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं। तो चले हम विज़िट करते हैं टावर एच के अंदर जो इनर अपार्टमेंट है और आउटर अपार्टमेंट है। जी तो हम टावर एच का जो आउटर अपार्टमेंट है सेकंड फ्लोर का, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये मैं बिल्कुल उसके एंट्रेंस पे हूँ। सबसे पहले मैं इसका साइज़ बता दूँ आपको, 1100 स्क्वायर फीट इसका साइज़ है। इसके एंट्रेंस होते साथ ही हमें सबसे पहले बिल्कुल सामने लिविंग रूम देखने को मिलता है, जिसका साइज़ 14x17.0 है। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करके लेफ़्ट साइड पे टर्न करता हूँ तो हमें पाउडर देखने को मिलता है, और इसका साइज़ जो है 6.0x4.6 का है। इसका भी थोड़ा सा काम रहता है, इनफैक्ट यहाँ पे बाथ जितने भी दिए गए हैं इस टाइम उनका थोड़ा सा काम जो है हमें देखने को मिलेगा। और बाकी ऑलमोस्ट टावर्स का जितने भी टावर्स हैं टावर ए के अंदर, अपार्टमेंट जो हैं टावर ए के अंदर, टावर बी के अंदर, उसके बाद टावर डी, टावर ई, उसके बाद जी और एच, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। इसके बाद में अगर मैं राइट साइड पे टर्न किया है तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा स्टोर रूम देखने को मिलेगा, जिसका साइज़ जो है 4.0x6.6 का है। यहाँ से हम मूव करते हुए लिविंग रूम से हम लेफ़्ट साइड पे टर्न करते हैं तो सबसे पहले हमें किचन देखने को मिलता है, और इसको हम सेमी फर्निश्ड कह सकते हैं। इसके अंदर कैबिनेट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं, और इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ इसका हमें 12.0x7.0 का साइज़ मिल रहा है। इसकी बैक साइड पे भी थोड़ी सी जगह हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लिविंग रूम वाली साइड पे आ जाते हैं। अगर यहाँ से हम सीधा स्ट्रेट मूव करें तो हमें बालकनी का एक बहुत प्यारा व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, बालकनी का भी साइज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, 13.8x3.10 का साइज़ जो है वो हमें बालकनी का भी देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सामने हमें प्रिसन 10A के विलास देखने को मिल रहे हैं बहरिया हाइट टावर एच की बिल्कुल बैक साइड पे। यह जो रूम किया मैंने, इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो ये टावर ए, टावर बी, टावर सी एंड टावर डी, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद हम वापस टर्न करते हैं, मैं बिल्कुल अपने राइट साइड पे मूव करता हूँ यहाँ से, तो हमें जो बेडरूम देखने को मिलता है इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ, इसका साइज़ 12.0x14.0 का है। अच्छा, इसके अंदर हमें बालकनी नहीं दी गई और इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ विंडो दी गई है, और यहाँ से भी हमें प्रॉपर व्यू जो है वो देखने को मिलता है। एक ये छोटा सा इन्होंने ओपन एरिया रखा है जहाँ से हमें बालकनी का व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद सामने अगर देखते हैं तो हमें कबर्ड देखने को मिलती हैं, यहाँ से इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। इसके बाद हम मूव करते हैं बाथ वाली साइड पे। बाथ का जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि काम अभी रहता है और काम हो रहा है। इसके साइज़ की बात करें तो 7.0x5.0 इसका साइज़ है। इसके बाद हम टर्न करते हैं दूसरे बेडरूम वाली साइड पे। दूसरे बेडरूम का साइज़ हमें 12.0x14.11 का दिया गया है। इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ बालकनीज नहीं दी गई और हमें दो विंडोज़ दी गई हैं। ये बिल्कुल सामने इसकी कबर्ड्स, काफ़ी वाइड एरिया है। यहाँ से मैं आपको प्रॉपर
प्रॉपरली ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हम मूव करते हैं बाथ वाली साइड पे। बाथ इसके अंदर हमें थोड़ा सा बड़ा दिया गया दूसरे बेडरूम की निस्बत। इनफैक्ट ये वाला बेडरूम दूसरे बेडरूम से बड़ा है थोड़ा सा, और यहाँ पे हमें 7.8 मल्टीप्लाई बाय 8.6 का साइज मिलता है। इसके अंदर अभी मिरर नहीं लगा, और कमोड को भी प्रॉपरली अटैच नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जितने भी बाथ देखे हैं यहाँ पे अभी उनका माइनर सा काम रहता है, या फिर शायद हो सकता है कि ये बिल्कुल एंड फिनिशिंग स्टेज पे ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आउटर अपार्टमेंट का एक छोटा सा व्यू था, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको इनर और आउटर अपार्टमेंट के अंदर अभी भी डिफरेंस नहीं पता, और वो हमसे पूछते हैं कि काइंडली हमें इसके डिफरेंस के हवाले से बता दें कि इतने ज़्यादा रेट की फ्लक्चुएशन क्यों हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मैं आपको रेट्स भी बता देता हूँ, क्योंकि रेट्स जो है वो कंपलसरी हैं हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपके बजट का भी। यहाँ से मैं साथ आपको टावर्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस तरह के हमें टावर ए, टावर बी और टावर डी जो है जो कि येलो कलर पे वॉश हो चुके हैं, और जिस तरह टावर एच के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम तकरीबन हमें जो प्राइस है वो 68 लाख से लेके और मैक्सिमम प्राइस जो है वो तकरीबन 75-76 लाख तक देखने को मिलती है। इसके अंदर टावर सी जो है जो बिल्कुल वाइट वॉश पे है और कंप्लीट रेडी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें मिनिमम प्राइस देखने को मिलती है, जिस तरह मैंने आपको बताया 68 लाख-69 लाख हमें मिनिमम प्राइस के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था आउटर अपार्टमेंट का एक छोटा सा व्यू। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको इनर अपार्टमेंट का भी एक छोटा सा व्यू करवा दूँ, ताकि आपको इनर अपार्टमेंट और आउटर अपार्टमेंट के अंदर डिफरेंस का पता चल जाए। इसी के साथ मैं मोहम्मद उमर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल से इंशाल्लाह इसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।